welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम बात करने वाले हैं 5 important tips जो आप लोगों के practical और वाइवा में बहुत बहुत काम आने वाली हैं। तो हमारे practicals जो है आ चुके हैं, कुछ बच्चों के कुछ आने वाले हैं, dates तो सबकी announce हो ही चुकी हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे अपने practicals को अच्छे से perform करना है और कैसे nervous नहीं रहे, हम ऐसी क्या तैयारी करें कि हमें nervousness ना हो, उन बातों को आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो उससे पहले देख लो मार्किंग स्कीम आपके अकाउंट्स की क्या रहती है कि आप लोगों के पास होगा रिटन टेस्ट 6 मार्क्स का आप लोगों का रहेगा रिटन टेस्ट एंड आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी 2 मार्क्स की एंड देन वी हैव वाइवा ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये दो दो मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें अकाउंट्स के अच्छे से करके जाने। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली जो टिप है मेरी तरफ से आप लोगों की वो क्या है, ड्रेस वेलिक। तो अपनी ड्रेस अच्छे से पहन के जाना। ठीक है, वो जो हम करते हैं कि कभी टाई ऐसे कर लिया, कभी जीन्स जो है लूज जीन्स पहन ली, ऐसा नहीं करना। उस दिन देखो अच्छे से बन के चले जाना अच्छे से अपना, क्योंकि बहुत टाइम से देखो स्कूल तो तुम लोग जाते नहीं हो, अब स्कूल जा रहे हो तो अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छे से ड्रेसअप होके जाना, टाई वाई ढंग से रख के फिर अपना वाइवा के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए जाना, क्योंकि ये चीजें उस टाइम पर बहुत मैटर करती है। अब स्कूल्स के आउटसाइडर्स हैं, वो इसी चीज को देखने आए, डिसिप्लिन देखने ही आए आप लोगों के स्कूल का, तो इसीलिए इन चीजों को अच्छे से उस एक दिन पहले एक बार प्रिपेयर करके चले जाना। ठीक है, अपना ड्रेस जो है अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाना, क्योंकि वही आपका इंप्रेशन चल जाएगा। अभी कोई बच्चा आ रहा है उसका टाई ऐसे निकला पड़ा और ऐसे एंट्री मार रहा है, तो उस टाइम पे इंप्रेशन पहले ही खराब हो जाता है। टीचर उसे मुश्किल क्वेश्चन ही पूछते कि यार इसको तो मैं कमी मार्क्स दूंगा। ठीक है, चलिए सेकंड टिप देखो आप लोगों के लिए क्या है कि आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो प्रिटेंड कर लो कि यस यू आर कॉन्फिडेंट, और आपको प्रिपेयर रहना है कि क्विक आंसरिंग हो। ठीक है, क्विक आंसरिंग कैसे होगी, अब देखो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है जी, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इलेवेंथ का भी पूछ लिए जाते हैं, कि आपसे रियल अकाउंट पूछ लिया, नॉमिनल अकाउंट पूछ लिया, अगेन जर्नल एंट्रीज पूछ ली पुरानी वाली इलेवेंथ वाली, तो इसीलिए बेसिक चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। ये मत समझना कि बेसिक चीजें नहीं पूछते वो लोग, वो बेसिक चीजें भी पूछते हैं। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज लिमिटेड टाइम। अब देखो आप लोग के पास ना वहां पर लिमिटेड टाइम होता है और एग्जामिनर का यानी ऑब्जर्वर का भी लिमिटेड टाइम होता है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस टाइम पे क्या करना है, सर आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, सॉरी बट आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, सो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली पूछ लेंगे। बट एक ब्लैंक फेसेस मत दिखाना उनको, ब्लैंक फेसेस, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इसकी एंट्री क्या है हमें नहीं आता, तो ब्लैंक फेस 5 मिनट तक दिखा दिया, नहीं वो नहीं करना, सर आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स बेटर टू गो। बट अगर वो चीज करते रहोगे कि अपना ब्लैंक फेस 5 मिनट तक लेके सोच रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फिडेंस की भी लैक शो हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहां पर शो हो जाता है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का भी टाइम नहीं बचता। मतलब उनको ये क्लियर होता है इसको तो कुछ आता ही नहीं, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता हो, इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं वो लोग। ठीक है जी, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स। और अगर ज्यादा आता है तो पूरा एस्से मत लिखने लग जाना, क्योंकि अकाउंट्स में देखो पॉइंट टू पॉइंट बातें चलती है, कोई थ्योरी पेपर नहीं है ये, बहुत सारी थ्योरी बता दी, हाँ शेयर्स का पूछा तो डिबेंचर्स की बातें भी बता दी, डिबेंचर्स के टाइप्स भी बता दिए, ऐसे नहीं करना, शेयर्स पूछा हाँ दिस इज दिस शेयर्स, दैट्स फाइनल, क्लियर। पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वही अच्छे लगते हैं, एक्सपेंडेड आंसर्स डोंट वर्क देयर, क्लियर, वेरी क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप जो है, गो थ्रू योर प्रोजेक्ट फाइल, जो भी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू होना है, अकाउंटिंग रेशियोज पर बनाई है या फिर कंपनी की टोटल रिव्यू पर बनाई है, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और रेशियोज अगर रेशियो पर फाइल बनी हुई है आप लोगों की तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहां से वो ऑब्वियसली पूछेंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा फाइल उस पर बनाया होता है, तो फाइल से ही इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और वहीं से ही आपसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे और वहीं से ये बात रिलेट करती है कि आपको क्विक आंसरिंग के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, कुछ टिप्स मिल जाती हैं कि कैसे हमें अपने वाइवा में परफॉर्म करना है, और देखो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, स्कूल में थोड़ा माहौल ऐसा ही होता है कि सब बच्चे बैठे होते हैं, फिर एक बच्चा आता है फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तेरे से क्या पूछा क्या पूछा, तो वो वाला देखो माहौल बन जाता है, एक पैनिकिंग सा माहौल उस टाइम पर बन जाता है, पर हमें उस टाइम अपने आप को काम रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि यस आई कैन डू दिस, और इधर इफ आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन आई कैन आंसर की हाँ मुझे नहीं आता सर प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कॉन्फिडेंस से अपने जाना और बहुत अच्छा सभी का प्रैक्टिकल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा ना कॉन्फिडेंस से
कुछ आंसर्स तो कर ही पाता है, सारे क्वेश्चंस टिपिकल नहीं पूछते आप लोगों से, ठीक है। अब ट्वेल्थ के सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से करके जाने हैं, सबसे पहली बात तो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटीज पूरे अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से आना चाहिए, यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप ट्वेल्थ के सिलेबस की बात करो। अब इनको रिलेट करके आपसे कौन से अकाउंट को ये पूछ लिया जाए कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है, अगर मैं तुम्हें ये एंट्री दे दूं तो क्या एंट्री पास करोगे, वो उस टाइम पर क्विक आंसरिंग काम करेगी। बट ये हमें ट्वेल्थ के दो टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। 1-2 डेज में आप लोगों के पास कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो उसमें आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से रिवाइज मैंने करवाया हुआ है, तो वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर पाओगे इन चीजों को। अब अच्छे से अपने प्रैक्टिकल्स को देना, उसके बाद हम तैयारी करेंगे हमारे फाइनल एग्जाम्स की। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है हर बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत अच्छे वाइवा बहुत अच्छे से देकर आ सकता है। अभी देखो नया जो एग्जामिनर आने वाला है उसको नहीं पता कि आप स्कूल्स में अच्छे मार्क्स लाते हो या क्या लाते हो, वो किसी को नहीं पता, तो वहां पर अपना इंप्रेशन दबा लो, ठीक है ना। और आप लोगों को मैं हमेशा यही बात याद दिलाती हूँ कि ये हमारा लास्ट चांस है एकेडमिक में प्रूव करने का, तो लास्ट चांस में हमारे पास एक आउटसाइडर आ रहा है, अब उसको ये नहीं पता कि ये बच्चा आंसर करता है या नहीं करता, एब्सेंट रहता है या नहीं रहता, स्कूल अटेंड करा है या नहीं करा है, या फिर जो भी आपका बैकग्राउंड नहीं पता उसको कि कैसे आपने 12th से 11th तक कैसे पहुंचे, कुछ नहीं पता, तो वहां पर अपनी क्विक आंसरिंग का इस्तेमाल करना और जो भी कॉन्फिडेंस अभी डेवलप हो गया है उसको बहुत अच्छे से यूज करके आना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।